दोस्तों LIC का IPO रिवाइज होके लॉन्च हो चुका है, सो रेडी हो जाइए दोस्तों। लास्ट टाइम जब IPO LIC का आया था तब भी हमने इसका रिव्यू दिया था दोस्तों। जस्ट अंदाजा लगाइए वो समय का जो प्राइस था 2000+, उस समय भी LIC के पास टोटल 632 करोड़ शेयर थे। अब अगर आप 2000+ का भाव रखते हो तो 10 लाख करोड़ से ज्यादा की मार्केट कैप बनती है। रिवाइज्ड प्राइस अभी जो हुआ है दोस्तों 949 अपर बैंड, 950 रुपए के भाव के हिसाब से वही 632 करोड़ शेयर गिनोगे तो दोस्तों अभी जो आपका जो टोटल वैल्यू होता है वो 6 लाख करोड़ के करीब होता है, जो बराबर वैल्यू है। पिछली बार जो उन्होंने वैल्यूएशन सेट किए थे वो ज्यादा थे दोस्तों, राइट। ये वैल्यूएशन इनके लिए बहुत अच्छे है और 6 लाख करोड़ के हिसाब से तो इनको बढ़िया प्रीमियम भी मिल सकता है दोस्तों। पिछली बार जब IPO लेके आए थे उस समय इन्होंने तय किया था 32 करोड़ शेयर ये लोग ऑफर फॉर सेल में लाए थे, तो करीबन 60,000 करोड़ फंड रेज होने वाला था, ऑफर फॉर सेल है तो गवर्नमेंट के लिए। अभी इस बार जो ये लोग ऑफर फॉर सेल लेके आए हैं 32 करोड़ शेयर नहीं ऑफर कर रहे हैं, इस बार जो ऑफर है वो 22 करोड़ शेयर की है, जो 3.5% हिस्सा होती है खाली टोटल 100% ऑफ द शेयर्स का। अब 3.5% हिस्सा अगर डाइल्यूट होगा, 60,000 करोड़ पिछली बार का इनका फंड रेजिंग का प्लानिंग था, इस बार अब 22 करोड़ शेयर के हिसाब से करीबन 21,000 करोड़ रुपए का फंड रेज होगा। तो ये चीज दोस्तों हम सबके लिए खुशखबर हुई कि यूज जो प्राइस था वो प्राइस हमने भी आपको रिकमेंड किया था कि वो प्राइस बराबर नहीं है, दिस अब ये नए प्राइस पे आए हैं और नया प्राइस दोस्तों बढ़िया है। ये IPO 4 मई से लेके 9 मई तक आप अप्लाई कर सकते हो और इस IPO में मैंने भले आपको भाव बताया लेकिन अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो या तो फिर एम्प्लॉय हो तो आपको 45 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप पॉलिसी होल्डर हो तो पॉलिसी के हिसाब से आपको 60 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा, तो ये और हो गया आपका डिस्काउंट। तो चलिए दोस्तों फटाफट देखते हैं LIC के बारे में, इंडस्ट्री हम लोग देखेंगे, LIC देखने के बाद हम अलग अलग पीयर ग्रुप की कंपनी से इसे कंपेयर करेंगे और अंदाजा लगाने का प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में आज से 5 साल बाद 10 साल बाद हम LIC से क्या उम्मीद रखें, करेक्ट। तो दोस्तों LIC 65 ईयर्स से इंडियंस को इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है। इनका दोस्तों मार्केट शेयर टोटल प्रीमियम में से 61% का है, जो कि बहुत ही बड़ा है। दोस्तों LIC का मूल बिजनेस क्या है, लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करना। टोटल 24 लाइफ इंश्योरेंस की कंपनीज है इंडिया में, उसमें एक कंपनी खाली पब्लिक सेक्टर की है और वो है LIC। दोस्तों पूरा लाइफ इंश्योरेंस मिलके अभी 6 लाख करोड़ का प्रीमियम कलेक्ट करता है। ये उम्मीद है कि आने वाले 5 सालों में 11% के कगार से प्रीमियम का ग्रोथ होगा और आज का 6 लाख करोड़ का जो मार्केट है, जो धंधा है प्रीमियम का, वो करीबन 12 से 13 लाख करोड़ प्रीमियम तक ये इंडस्ट्री पहुंच जाएगी। तो कोई डाउट नहीं है दोस्तों, ये जो ग्रोथ हम देखने वाले हैं उसका फायदा मेजॉरिटी ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज उठा पाएगी और उसमें सबसे लीडिंग कंपनी कौन है, LIC। तो दोस्तों हम इन्वेस्टमेंट के समय जो पहली प्रायोरिटी रखते हैं कि इंडस्ट्री ग्रोइंग होनी चाहिए। अब मैंने आपको 6 से 12 लाख करोड़ ये इंडस्ट्री को पहुंचते हुए बताया है, तो करीबन यहाँ पे 12-14% के कगार का ग्रोथ दिखेगा। अगर इंडस्ट्री 12-14% से बढ़ती है, 12-14% से बढ़ती है, तो इसमें जो लीडिंग कंपनीज होती है, जो ग्रोइंग कंपनीज, जो तगड़ी कंपनीज होती है, वो और ज़्यादा मार्केट शेयर अपनी ओर आकर्षित करती भी है। मैं LIC की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल अच्छी कंपनियों की बात कर रहा हूँ कि जो अच्छी कंपनियाँ होगी वो 12-14% से नहीं, वो 15-20% से ग्रोथ करेगी। तो अगर हम लाइफ इंश्योरेंस को अपने पोर्टफोलियो का एक पार्ट करते हैं तो ग्रोथ तो दोस्तों यहां पे मिलना ही है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं ऑफर का ऑब्जेक्ट क्या है। दोस्तों पिछली बार भी हमने ऑब्जेक्ट क्लियर कह दिया था, भले उस समय ज्यादा शेयर ऑफर किए थे, इस बार कम किए थे, पर ये जो शेयर ऑफर कर रहे हैं ये कंपनी नहीं कर रही है, ये प्रमोटर कर रहे हैं कंपनी के शेयर होल्डर।
तो ये ऑफर फॉर सेल होने की वजह से क्लियर ऑब्जेक्ट है कि जो फंड रेज होगा 21,000 करोड़ का वो सरकार के पास जाएगा, जो कि इनके मेजर स्टेक होल्डर है। ये पैसा कंपनी के पास नहीं जाएगा। अब दोस्तों हम इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ईगल्स आई व्यू रखते हैं। सबसे पहले कोई भी कंपनी में क्या देखना चाहिए, कंपनी की पेड अप इक्विटी कितनी है। दोस्तों अब तक की LIC की पेड अप इक्विटी 100 करोड़ थी, बट प्री IPO ये इक्विटी बढ़ा के 6,200 करोड़ की कर दी गई है, यानी और 5,000 करोड़ का, 5,500 करोड़ का फंड इन्फ्यूज किया है गवर्नमेंट ने प्री IPO। तो अभी हम कितनी पेड अप इक्विटी मानेंगे, 6,200 करोड़ की। दोस्तों नेटवर्थ कितना है कंपनी का, नेटवर्थ सेकंड इंपॉर्टेंट चीज। नेटवर्थ यानी क्या, इक्विटी वो हुई जो प्रमोटर्स स्टेक होल्डर्स ने निवेश की हुई है, लेकिन पैसा डालने के बाद जब इतने समय से कंपनी चल रही होती है तो कंपनी प्रॉफिट करते ही होती है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी होने की वजह से कंपनी कैश फ्लो कंटिन्यू करती है। ये कैश फ्लो हुआ कंपनी के प्रॉफिट का, प्रॉफिट का जो कैश फ्लो आता है वो हो सकता है डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो। एक तरीका है कैश डिविडेंड मिले आपके बैंक में, यानी कंपनी के जो स्टेक होल्डर है उनकी बैंक में, और अगर पूरा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो दूसरा जो पैसा बचेगा वो रिटेन्ड अर्निंग में जाएगा, जिसे रिजर्व कहते हैं या अदर इक्विटी भी कहते हैं। तो नेटवर्थ यानी ये अदर इक्विटी प्लस इक्विटी का कॉम्बिनेशन। तो टोटल अगर हम नेटवर्थ देखें तो ये नेटवर्थ 8,000 करोड़ का है। नेटवर्थ दोस्तों इतना अट्रैक्टिव नहीं है, राइट? क्योंकि ऐसा ही जो दूसरी जो प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस की कंपनियां हैं उनका नेटवर्थ ज्यादा है। अब इसे हम पॉजिटिवली ले कि नेगेटिव ले वो भी सोचना चाहिए। जो कि LIC ऑलरेडी इंडिया में पेनेट्रेटेड है, घर घर है LIC, उन्होंने ऑलरेडी बिजनेस को एक्सपांड किया हुआ है। तो LIC जो प्रॉफिट करती है उसे डिस्ट्रीब्यूट भी अपने स्टेक होल्डर में कर देती है डिविडेंड्स के रूप में, जिससे कंपनी के रिजर्व में पैसा ज्यादा बचता नहीं है। बाकी की जो प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है स्टिल दे आर इन डेवलपमेंट फेज। दोस्तों डेवलपमेंट फेज में कैश फ्लो नहीं सोचना चाहिए, डेवलपमेंट फेज में ये सोचना चाहिए कि जो कमा रहे हो रखो भी अपने पास, एक्सपांशन में काम लगेगा और कुछ पैसा डिविडेंड में बांटो। तो आप नई कंपनियों में ये देखोगे कि कम डिविडेंड आएगा, पर जो पुरानी एस्टैब्लिश कंपनी होती है वहां पे आपको ज्यादा डिविडेंड आता है। तो अगर आपको कैश फ्लो कंटिन्यू चाहिए, कंसिस्टेंट चाहिए, अच्छा चाहिए, तो LIC ये हमें कैश फ्लो दे सकता है। दूसरी कंपनियां ग्रोथ ज्यादा दे सकती है, राइट? तो ये थोड़ा डिफरेंस हमें नई कंपनियां जो प्राइवेट में से है और LIC में से समझना पड़ेगा। तो नेटवर्थ की हमने बात कर दी, नेटवर्थ 8,000 करोड़ है जो ज्यादा नहीं है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट दो और फैक्टर देख लेते हैं, टोटल इनकम और प्रॉफिट। दोस्तों इनकम कंपनी की करीबन 6,00,000 करोड़ रुपया है, यानी ह्यूज इनकम। दोस्तों भारत में लिमिटेड कंपनियां हैं जो 5,00,000 करोड़ का धंधा कर पाती है, हम उंगली पे गिन सकते हैं। नहीं ये ज्यादा कंपनी है, आपकी सबसे बड़ी IT की कंपनी TCS अभी मुश्किल से 2,00,000 करोड़ पे पहुंचेगी, आपकी सबसे बड़ी बैंक HDFC मुश्किल से पहुंचेगी 2,00,000 करोड़ पे। तो जो सेक्टर में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी 5,00,000 करोड़ नहीं कर रही है, बट योर LIC इज एबल टू डू 6,00,000 करोड़ टर्नओवर, यानी ये बड़ी मछली है। दिस इज अ वेल फिश, ये समुंदर की सबसे बड़ी मछली। अब ये जो मछली है ये 6,00,000 करोड़ का धंधा करती है, तो ये ह्यूज इनका शेयर हुआ, मार्केट में से ज्यादा धंधा ये लोग ले पाते हैं। ये जो टोटल इनकम है ये दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है, एक प्रीमियम से इनकम आती है, एक इन्वेस्टमेंट से इनकम आती है जो इन्होंने बरसों से किया हुआ है। ये हम बाद में देखेंगे कहां से कितना आता है, पर टोटल इनकम 6,00,000 करोड़। टोटल इनकम के सामने प्रॉफिट करीबन 3,000 करोड़ के है, टोटल राउंड फिगर 3 भी नहीं है, 2,900 करोड़। दोस्तों पिछले तीनों साल के प्रॉफिट 2,500 से 3,000 करोड़ की रेंज में है। तो इससे क्लियर होता है दोस्तों कि 6,00,000 करोड़ के टर्नओवर, जो कि तगड़ा टर्नओवर है, उस पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आधा टका की है।
0.5% इज नॉट एन अट्रैक्टिव थिंग, बट येट हमें ये भूलना नहीं चाहिए पिछले जो साल थे दो वो कोविड वाले थे। कोविड के समय में हाई क्लेम्स थे और इन क्लेम्स के कारण भी प्रॉफिटेबिलिटी डाउन आई हो सकती है। तो प्रॉफिट्स इनके 0.5%, कोविड अफेक्टेड हाई क्लेम्स के कारण भी इनके मार्जिन कम है, ये हमें समझना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये जाननी चाहिए हमें कि कोविड के कारण अगर प्रॉफिट टूटे है क्योंकि बहुत क्लेम आए, तो उसके साथ पॉजिटिव ये है कि डिमांड भी इंश्योरेंस की बहुत बड़ी है। आप कोई भी कंपनी देख लो, प्राइवेट देख लो, आज LIC हम लोग देख रहे हैं, ये सब कंपनियों का पोस्ट कोविड ग्रोथ तगड़ा है। प्रीमियम्स जबरदस्त बिक रहे हैं, पॉलिसीज जबरदस्त बिक रही है, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है ड्यू टू क्लेम्स, पर अब जैसे धीमे धीमे क्लेम कम होंगे इन कमिंग टाइम वी कैन एक्सपेक्ट स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑल ऑफ दिस कंपनीज। तो इनके हिसाब से दोस्तों अर्निंग पर शेयर, ये तो मैंने 3,000 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट बताया, पर मेरे इससे क्या, मैं 940 रुपया भरता हूं, मुझे क्या मिलता है? दोस्तों हमेशा इन्वेस्टर को दो चीजें मिलती है, एक मिलता है उनको EPS यानी अर्निंग पर शेयर, जो कि LIC का पिछले साल का करीबन 5 रुपया है, पूरा 5 भी नहीं है, मैं जस्ट राउंड फिगर कह रहा हूं, करीबन 5 रुपया है। अगर हम 950 को 5 से कंपेयर करेंगे तो कितना टका हुआ? कम हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 रुपये के हिसाब से भी 950 भी ज्यादा है, तो पहले से 2100 थे। लेकिन अगेन डोंट फॉरगेट, लास्ट ईयर वॉज कोविड अफेक्टेड ईयर, इवन दिस ईयर वी कांट एक्सपेक्ट ह्यूज प्रॉफिट्स, ये साल भी तो कोविड के क्लेम थे, पर अगले साल से हम प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई देखेंगे और आपके ये जो प्रॉफिट CPS प्राइस ये थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा, राइट? पर अभी आपको प्रिपेयर रहना है, अभी आपको क्या मिलेगा? 5 रुपया। मान लो कंपनी 5 पे डिविडेंड 100% डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो भी आपको डिविडेंड कितना आएगा? 5, 50% किया तो 2.5 रुपया। क्लियर है एकदम? तो दिस इज EPS, एक आपको मिलता है EPS, ये EPS में कुछ डिविडेंड मिलेगा, कुछ आपकी बुक वैल्यू में ऐड होगा। तो दूसरी बुक वैल्यू भी तो देखनी चाहिए, क्योंकि अब तक जो इन्होंने कमाया वो डिविडेंड देने के बाद बुक वैल्यू में गया होगा, तो बुक वैल्यू कितना है? दोस्तों अभी के हिसाब से LIC का बुक वैल्यू 13 रुपीज का है, तो आप ये मान लो 950 दे रहे हो, आपको दो चीज मिली, एक 5 रुपया आज मिला, यह हर साल मिलेगा कंसिस्टेंटली एवरी ईयर, मतलब एक बार 950 भरने पे इतना है कि आपको 5 रुपया तो मिलने वाला है जो बढ़ता जाएगा। वाई? बिकॉज इट इज अ ग्रोइंग इंडस्ट्री। दूसरा, अब आज आपको एक 13 रुपए की बुक वैल्यू भी मिल रही है, एक रिटेन्ड अर्निंग मिल रही है, ये भी आपका ही हुआ, राइट? तो 13 रुपए के हिसाब से भी 950 ज्यादा है, बट अगेन वी कैन एक्सपेक्ट गुड प्रॉफिटेबिलिटी फ्यूचर में, ये सेट हो सकता है, इसलिए क्योंकि ये डिमांडिंग इंडस्ट्री है, इंश्योरेंस टॉप ग्रोइंग इंडस्ट्री में से एक है। दोस्तों इनकी IEV इंडियन एम्बेडेड वैल्यू, दोस्तों एम्बेडेड वैल्यू इंश्योरेंस कंपनियों की देखी जाती है, जिससे टोटल एसेट कितनी है वो पता चले और उससे भाव बने। तो LIC की इंडियन एम्बेडेड वैल्यू करीबन 50 लाख करोड़ की है। दोस्तों ये 50 लाख करोड़ की वजह से भाव बनना चाहिए, इससे आपकी कंसिस्टेंसी बनती है कि ये कंपनी आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट प्रोवाइड कर पाएगी कि नहीं, राइट? सो दिस वॉज सम ईगल्स व्यू ऑन LIC, धंधा, प्रॉफिट, EPS, NAV, IEV, ये सब हमने इंक्लूड किया। आने वाले समय की जब आप कंसिस्टेंसी सोचते हो तो ये भी नहीं भूलने का, कंपनी की जो AMC है, कंपनी का जो हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी है LIC हाउसिंग फाइनेंस, IDBI बैंक जो कि हाई NPA के कारण प्रॉब्लम में थी और LIC ने उसमें स्टेक बढ़ाया, तो आने वाले समय में दोस्तों आप IDBI के भी प्रॉफिट को ऐड होते हुए देखोगे। अभी कुछ समय क्रेडिट ग्रोथ डाउन था तो LIC हाउसिंग का भी परफॉर्मेंस डाउन था, पर भविष्य में आप LIC हाउसिंग, IDBI इनके भी प्रॉफिट को अंदर इंक्लूड होता हुआ देखोगे, दोनों ही अच्छी कंपनी है। IDBI पिछले साल से प्रॉफिट में आ चुकी है, तब अब से IDBI का भी प्रॉफिट आपका ऐड होगा। दोस्तों अभी इंपॉर्टेंट चीज हम देखते हैं कि किस बेस पे इन्होंने 942 रुपीज का प्राइस रखा है। दोस्तों इसमें दो फैक्टर होते हैं, वन इज क्वांटिटेटिव फैक्टर एंड अनदर इज क्वालिटेटिव फैक्टर। पहले अगर हम क्वालिटेटिव फैक्टर देखें तो LIC की क्वालिटी क्या है,
ये दुनिया की सबसे बड़ी पांचवें नंबर की ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम के हिसाब से है, यानी प्रीमियम लेने में ये दुनिया की पांचवें नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है। इंडिया में ये गांव गांव शहर शहर पेनेट्रेटेड है और एक ये ब्रांड है इंडिया की। मुझे अभी भी याद है, बहुत से लोग ये कहते हैं जब भी वो HDFC या बजाज की पॉलिसी लेते हैं, वो कहते हैं मैंने HDFC का LIC लिया, मैंने बजाज का LIC लिया। मतलब क्या, LIC इज अ ब्रांड ऑफ इंडिया। इतने बरसों से जब ये काम कर रहे हैं तो ये इंडिया के सबसे बड़े एसेट मैनेजर है। दोस्तों, सब FII एक तरफ, हमारी LIC एक तरफ, इतना निवेश LIC की ओर से भी भारतीय बाजार में आता है। दोस्तों, ये क्वालिटी फैक्टर मैंने बताए, पर इन क्वालिटी फैक्टर के हिसाब से हमने कहा चलो सबसे बड़ा प्रीमियम ये इंडिया में लेते हैं, वर्ल्ड वाइड पांचवे हुए, इनका मार्केट शेयर सबसे बड़ा हुआ, पर ये प्रोड्यूस क्या करते हैं ये क्वालिटी से, तो अब हम प्रोडक्टिविटी पे देखते हैं कि दूसरी कंपनियों से कंपेयर करें तो क्या LIC प्रोडक्टिव है। दोस्तों, जब आप पीयर ग्रुप से कंपेयर करते हो तो पहला देखना चाहिए मार्केट शेयर, कौन कंपनी कितना धंधा करती है। LIC दोस्तों, जो कि 65 साल से है, हमने कहा पहले तो LIC ही थी खाली बाजार में, तो इनका पेनेट्रेशन काफी ह्यूज है। 4 लाख करोड़ का प्रीमियम ये लोग कलेक्ट कर पाते हैं पूरे भारत से। सो 4 लाख करोड़ इज अ ह्यूज प्रीमियम। ये पहले नंबर की कंपनी हुई। दूसरे नंबर पे कौन आती है बताओ? HDFC आती होगी, ICICI आती होगी, मैक्स आती होगी कि SBI आती होगी? SBI। दोस्तों, SBI करीबन 50,000 करोड़ का प्रीमियम ले पाती है। तो आप देख सकते हो पहले नंबर की कंपनी और दूसरे नंबर की कंपनी में काफी डिफरेंस है। मतलब SBI 50,000 करोड़, अब ये कितना ग्रोथ करेगा तब जाके 4 लाख करोड़ पहुंचेगा। और LIC भी तो थोड़ी ना बैठा रहेगा, वो भी ग्रोथ करेगा। तो सेकंड नंबर की कंपनी पहले नंबर पे आए ऐसे चांसेस नहीं है, इतने आगे है LIC अभी। तीसरे नंबर पे आती है आपकी HDFC लाइफ, जो करीबन 39,000 करोड़ का प्रीमियम कलेक्ट कर पाती है। और फिर आती है ICICI प्रूडेंशियल, राइट? तो ये है इंडिया की टॉप की लाइफ इंश्योरेंस की कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रीमियम। प्रीमियम के बाद अगर हम नेट प्रॉफिट से कंपेयर करें इन सब कंपनियों को, तो LIC हमने क्या बताया, 4 लाख करोड़ का प्रीमियम। दोस्त, टोटल तो 6 लाख करोड़ का धंधा, पर इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी थी? 3,000 करोड़, 2,972 करोड़। अब इनको जब हम HDFC, SBI, ICICI से कंपेयर करते हैं, तो दोस्तों SBI भले खाली 50,000 करोड़ का टर्नओवर करती है, उनके जो प्रॉफिट्स है वो 1,500 करोड़ के है। तो एक कंपनी 50,000 करोड़ पे 1,500 करोड़ ला रही है, दूसरी 4 लाख करोड़ पे 3,000 करोड़ ला रही है, राइट? तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। SBI का धंधा बहुत कम है, पर प्रॉफिट में ये खाली आधे है LIC के। तीसरी चौथी जो कंपनी है HDFC, ये भी SBI जितना ही करीबन प्रॉफिट करती है, ICICI करीबन 1,000 करोड़ का प्रॉफिट करती है। तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी देखे तो दूसरी कंपनियां पहुंचने को आई है LIC को। दोस्तों, रिटर्न ऑन नेटवर्थ हमने पहले बात कर दी कि कम इक्विटी होने की वजह से LIC का रिटर्न ऑन नेटवर्थ एक्सट्रीमली बड़ा है। जब हम दूसरी कंपनियों से कंपेयर करते हैं तो पता चलता है कि ओवरऑल इंश्योरेंस सेक्टर में रिटर्न ऑन नेटवर्थ अच्छा रहता है, क्योंकि SBI HDFC का भी रिटर्न ऑन नेटवर्थ 15% जितना है, ICICI का थोड़ा कम है 10% जितना, राइट? एम्बेडेड वैल्यू जो हमने बात की थी कि जो आपके LIC की 50 लाख करोड़ की है, राइट, ह्यूज है, वो अगर हम SBI HDFC की देखे तो इनकी करीबन 3 लाख करोड़ की है। तो ये एक अच्छी एम्बेडेड वैल्यू पे ये लोग भी पहुंच रहे हैं, पर LIC और इनमें जमीन आसमान का डिफरेंस है। तीनों कंपनी, सॉरी, राइट, SBI HDFC ICICI, तीनों कंपनियां 3 लाख करोड़ की वैल्यू पे पहुंच चुकी है। अब दोस्तों, इंश्योरेंस अगर इंडिया में काम कर रहा है और इंडिया का ग्रोथ बढ़िया रहा तो ये इंश्योरेंस सेक्टर भी आउट परफॉर्म करेगा, राइट? इंडिया अगर हम देखें, कोविड में हम गिरे थे, हम अकेले नहीं, पूरी दुनिया गिरी थी। रिकवरी सबसे पहले इंडिया ने की और इस साल भी सबसे तगड़ा ग्रोथ इंडिया का है। तो भारत सबसे तेज बढ़ती हुई इकोनॉमी में एक है। भारत में इंडस्ट्री कोई भी होगी जो ग्रोथ करेगी तो तगड़ा ग्रोथ करेगी। अगर भारत में हम लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो इसको भारत के ग्रोथ का भी जबरदस्त फायदा मिलेगा।
जीडीपी रैंकिंग में भारत का 5वां नंबर है। ये उम्मीद है आने वाले 10 सालों में हम तीसरे नंबर पे पहुंचेंगे, पर पीपीपी में तो हमारा अभी से नंबर तीसरा है। कंजप्शन इंडिया बहुत तगड़ा करता है दोस्तों। कंजप्शन तगड़ा होने का कारण बिल्कुल सही है कि इंडिया में प्रोडक्टिव लोग बहुत ज़्यादा है। एज वाइज 30 to 59 की एज को अर्निंग एज कहा जाता है दोस्तों। इंडिया में 37% जो पॉपुलेशन है ये 30 to 59 की एज में आती है, यानी प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से जीडीपी का ग्रोथ बढ़िया मिलता है, कंजप्शन बहुत अच्छा होता है इंडिया में दोस्तों। हाउस होल्ड फाइनल कंजप्शन अगर हम इंडिया का देखें तो वो खाली $1,000 का है, साल का कम है। इसे अगर हम यूएस के सामने कंपेयर करें तो यूएस का कंजप्शन हमसे 40 गुना ज़्यादा है। अगर वो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, मतलब उनकी कंपनियां चाहे इंश्योरेंस की हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स की हो, उनकी कंपनियों को ज़्यादा टर्नओवर मिलता है क्योंकि वो कंज्यूम करते हैं दोस्तों। हम अगर डेवलप्ड इकोनॉमी देखे तो वो सारी डेवलप्ड इकोनॉमी हमसे 20-25 गुना ज़्यादा कंज्यूम करती है। यही नहीं, अगर हम वर्ल्ड के साथ भी कंपेयर करें तो वर्ल्ड भी हमसे 6 गुना ज़्यादा एवरेज कंज्यूम करता है। ये इसलिए क्योंकि इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा बहुत कम है। जीडीपी पर कैपिटा कम होने के कारण हम कंज्यूम कर पाते हैं, लेकिन खुशखबरी भी यही है कि जीडीपी पर कैपिटा दोस्तों इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। पिछले दशक में 10% से दोस्तों जीडीपी पर कैपिटा ग्रो हुई है। आने वाले दशक में भी जीडीपी पर कैपिटा 10% से बढ़ेगी, जो भी वर्ल्ड में मेजर इकोनॉमी में कोई भी कंट्री से बहुत ज़्यादा है। इससे कोई डाउट नहीं है, कंजप्शन में वृद्धि होगी, फिर चाहे वो इंश्योरेंस का हो या FMCG का हो। जीडीपी पर कैपिटा बढ़ने से फ़ायदा क्या होता है कि जो बहुत लोअर लेवल पे होते हैं इनकम के बेस पे, जिनकी इनकम बहुत कम होती है, ऐसे लोगों की संख्या घटती है। इंडिया में दोस्तों अगर हम देखें तो 2 लाख रुपया सालाना कमाने वालों की संख्या -1% से बढ़ रही है, यानी 1% से घटती जा रही है। तो ये घटती कैसे है, ये लोग जा किधर रहे, ये लोग अपग्रेड कर रहे हैं अपने आप। अगर हम 2 लाख से 10 लाख के लोगों की संख्या देखें तो दोस्तों ये संख्या 9% के कगार से बढ़ती जा रही है, और 10 लाख प्लस कमाने वालों की संख्या दोस्तों 16% कगार से बढ़ती जा रही है। तो सीधी बात है दोस्तों, कम इनकम वाले लोगों की संख्या कम, ज़्यादा इनकम वालों की संख्या बढ़ी, तो ये पैसे से इंश्योरेंस कंपनियां तगड़ा ग्रोथ कर पाती है। आज पैसा नहीं होगा कौन अपने यहाँ इंश्योरेंस लेगा। अब जब थोड़ी कमाई करते थे उसमें से भी जब सेविंग की बात आती है तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट में कम सेविंग होती थी। जैसे अगर हम आज से 10 साल पहले का डेटा देखें, 31% के आसपास का सेविंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट में जाता था। दूसरा सेविंग फिजिकल एसेट्स में जाता है, पर अभी दोस्तों 31 से बढ़ के 41% सेविंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट में आने लगा है, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ती जा रही है। तो अगर ये फाइनेंशियल सेविंग का रेशियो बढ़ता है तो इससे भी AMC, इंश्योरेंस, स्टॉक ब्रोकिंग जैसी कंपनियों को फायदा मिलता है। अब ये टोटल सेविंग चाहे फिजिकल हो चाहे फाइनेंशियल हो, ये भी दोस्तों इंडिया में 12% कगार पे बढ़ती जा रही है। तो इनकम बढ़ रही है, सेविंग बढ़ रही है, फाइनेंशियल सेविंग का रेशियो बढ़ता जा रहा है। इसीलिए दोस्तों हम कहते हैं इंश्योरेंस इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर में से एक है, पोर्टफोलियो में कंपनी होनी चाहिए। दोस्तों जैसे जीडीपी बढ़ता है, जीडीपी पर कैपिटा बढ़ता है, वैसे आपकी फाइनेंशियल प्रोडक्ट में सेविंग बढ़ती है। अगर हम दशक पहले का डेटा देखें तो करीबन 10 लाख करोड़ रुपया फाइनेंशियल सेविंग में आता था, जो बढ़ जाता है फिक्स डिपॉजिट में, AMC में, इंश्योरेंस में। अभी दोस्तों 31 लाख करोड़ रुपया ये सब प्रोडक्ट में बढ़ रहा है। तो पहले से 3 गुना ज़्यादा पैसा बढ़ रहा है, तो अलग अलग इंडस्ट्री को फायदा हो रहा होगा। यही दोस्तों जो आज 31 लाख करोड़ है, ये 50 लाख करोड़ पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा। तो इन सारे सेक्टर्स को इसका फायदा मिलने वाला है। अब दोस्तों अगर आपको ये जानना है कि भाई ये 30 लाख करोड़ में से इंश्योरेंस के पास कितना आया, तो दोस्तों उसमें से ज़्यादा पैसा जाता है फिक्स डिपॉजिट के पास,
करीबन 30% रुपया फिक्स डिपॉजिट में जाता है, पर इंश्योरेंस के इससे भी 20% हिस्सा आता है। तो अगर 20% हिस्सा इंश्योरेंस के पास आता है, आने वाले समय में भी हम उम्मीद करेंगे दोस्तों, अगर ये 50 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बनती है फाइनेंशियल सेविंग, तो आप 20% इंश्योरेंस का हिस्सा गिन लो, ह्यूज ग्रोथ इंश्योरेंस में दिखेगा। एंड यस, म्यूचुअल फंड के हिस्से 60% रुपया जाता है दोस्तों। तो अगर आपको लगता है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री बढ़ेगी, तो LIC के बारे में कुछ डिटेल लेना, टोटल लाइफ इंश्योरेंस की डिटेल लेना थोड़ा जरूरी बनता है दोस्तों। इंडिया में 1956 में लाइफ इंश्योरेंस को नेशनलाइज किया गया और LIC का जन्म हुआ। LIC आते ही शुरुआत में दोस्तों 1957 में उनका टर्नओवर 200 करोड़ का था, प्रीमियम कलेक्शन दोस्तों। 67 आते आते ये 1000 करोड़ हो गया और दूसरे 10 साल में ये 2000 करोड़ पहुंच गया। तो बढ़त इनकी चालू हो गई और आज हम देख रहे कितना 4 लाख करोड़ का प्रीमियम आ रहा है। इस प्रकार से LIC दोस्तों आगे बढ़ी। तो जी हाँ दोस्तों, LIC सबसे बड़ी भारत की ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम के हिसाब से देखो, एसेट के हिसाब से देखो, सबसे बड़ी कंपनी है। करीबन 30 करोड़ पॉलिसी इन लोगों ने इशू की है, जो कि अगर हम पॉपुलेशन वाइज अलग अलग देश को देखें तो चौथे नंबर का जो सबसे बड़ा कंट्री है उनका पॉपुलेशन LIC की पॉलिसी जितना है। यस दोस्तों, 61% का इनका मार्केट शेयर है, जो कि दूसरे नंबर का SBI का मार्केट शेयर जो 9% का है उससे काफी ज्यादा है दोस्तों। इंश्योरेंस सेक्टर में LIC ही एक अकेला लौता प्लेयर था 1956 से 2000 तक। 2000 के बाद जब प्राइवेटाइजेशन हुआ तो 4 कंपनियों ने इंश्योरेंस की शुरुआत की, जिसमें सबसे पहले HDFC लाइफ, फिर ICICI प्रूडेंशियल, मैक्स और आदित्य बिरला। ऐसे 4 कंपनियों ने लाइफ इंश्योरेंस की शुरुआत की भारत में और प्राइवेट का एक नया दौर शुरू हुआ। 2009 आते आते दोस्तों 8 कंपनियां हो गई और आज जैसा अभी हमने बात की 24 कंपनियां है टोटल। ये पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री को अगर हम अलग अलग फेज में देखें तो 2007 के बाद, जो 2007 में जो मंदी आई दुनिया में, उसके बाद के फेज को स्ट्रॉन्ग ग्रोथ फेज इंडिया में कहते हैं, क्योंकि 2000 में प्राइवेट कंपनियां आई, उनको सेटल होने में थोड़ा समय लगा और ग्रोथ करना 2007 से चालू किया। 17% का उस समय दोस्तों उन लोगों ने ग्रोथ किया, पर 2012 से 2015 तक का एक स्टैग्नेशन फेज आया, जिसमें ग्रोथ 3% जितना आ गया। 2015 के बाद अगेन रिकवरी और रिबाउंड आना शुरू हो गया, 3% प्रीमियम का ग्रोथ 8% पहुंचा, और फिर 2017 के बाद वापस से 12% के ग्रोथ से इंश्योरेंस इंडस्ट्री बढ़ने लगी, जो कि ग्रोथ अभी भी दोस्तों बरकरार है। अभी हमने जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री का टोटल प्रीमियम 6 लाख करोड़ बताया, ये दोस्तों खाली 3 लाख करोड़ था 2016 में, और 2016 से लेके अब तक 11% कगार से ग्रोथ हुआ है, जिसमें प्राइवेट कंपनियों ने 18% से ग्रोथ किया है और LIC ने 9% से ग्रोथ किया है। तो प्राइवेट चूंकि लो बेस से काम करते थे, नई नई शुरुआत हुई थी, उनका ग्रोथ LIC या ओवरऑल इंश्योरेंस इंडस्ट्री से ज्यादा था ड्यू टू लो बेस इनिशियल। अब दोस्तों LIC को अगर हम ग्लोबल प्लेयर से कंपेयर करें तो ग्लोबली वैसे इंश्योरेंस सेक्टर डेवलप कंट्री में म्यूटेड फेस है, स्टैग्नेंट फेस है। इमर्जिंग कंट्रीज ही इंश्योरेंस के ग्रोथ को हवा देती है। तो जो भी इमर्जिंग कंट्रीज है जिसमें इंडिया आती है, ऐसी कंट्रीज में इंश्योरेंस को ग्रोथ बढ़िया मिलता जा रहा है, क्योंकि ऐसी कंट्रीज में अंडर इंश्योर्ड होते हैं लोग, तो अंडर इंश्योर्ड की वजह से जगह बहुत होती है कंपनियों को बढ़ने की। इवन प्रीमियम पर कैपिटा देखें तो इंडिया दूसरी कंट्रियों से काफी कम प्रीमियम भर पाता है ड्यू टू इट्स इनकम। दोस्तों हम $59 साल के इंश्योरेंस में पे करते हैं, अगर हम सिंगापुर को भी देखें तो वो हमसे 10 गुना ज्यादा प्रीमियम पे करता है। तो अभी इंडिया अंडर इंश्योर्ड है, जो हमारा प्रीमियम पर कैपिटा भी काफ़ी कम है। जैसे जैसे अभी इनकम बढ़ेगी, ये दोनों चीज़ें ग्रोथ करेगी, जिसका फायदा
इंश्योरेंस कंपनियों को होगा। तो इससे ये चीज तो पुरवार होती है कि इंडिया में प्रोटेक्शन गैप, यानी जितना हमें नॉर्मली प्रोटेक्शन चाहिए उसे प्रोटेक्शन गैप काफी बड़ी है। 83% की प्रोटेक्शन गैप इंडिया में इंश्योरेंस की है दोस्तों। तो यहाँ पे इन सब चीजों में जगह बहुत है, इंश्योरेंस सेक्टर को ग्रोथ करना है। इंश्योरेंस की कोई भी कंट्री अगर हम देखें इंश्योरेंस के लिए, तो जो भी डेवलप्ड हो, इमर्जिंग हो, इन सब जगह पे जो सबसे बड़ी कंपनी होती है उसका मार्केट शेयर 15-20% जैसा होता है। इंडिया ही एक ऐसी कंपनी है जहां पे LIC का मार्केट कैप 60% प्लस है, क्योंकि यहां पे प्राइवेट प्लेयर्स को मौके बहुत लेट दिए गए। अब जबकि प्राइवेट प्लेयर बढ़ रहे, अब धीमे धीमे उन लोगों का मार्केट शेयर बढ़ता जा रहा है, राइट। पर हम ग्लोबली कंपेयर करेंगे तो हमें लगेगा कि LIC का मार्केट शेयर ग्लोबली दूसरी कंट्री में जो वहां की बड़ी कंपनी है उससे LIC का मार्केट शेयर बहुत ही ज्यादा अच्छा है। दोस्तों प्रीमियम के बेस पे देखें तो LIC का वर्ल्ड में 5वां नंबर आता है। एसेट में हम और नीचे चले जाते हैं, पर प्रीमियम में दोस्तों हमारा 5th नंबर है। अब जो चाइना की जो कंपनी है पिंग, वो 20 साल पहले उनका भी कोई नंबर नहीं था, राइट। पर ये जो ग्रोथ हुआ चाइना का, उसमें आज पिंग इंश्योरेंस दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा प्रीमियम कलेक्ट करने वाली कंपनी बन चुकी है। एसेट में अगर हम देखें दोस्तों तो पिंग की एसेट LIC से 3 गुनी ज्यादा है। तो यही हम LIC से भी उम्मीद करेंगे आने वाले समय में, LIC की भी एसेट्स और बढ़िया होगी। एसेट में तो हमने देख लिया दोस्तों, ग्रोथ में इमर्जिंग कंट्रीज की कंपनियों का ग्रोथ अच्छा होगा इंश्योरेंस की। जैसे पूरी अगर लिस्ट हो इंटरनेशनल कंपनीज की, तो आपकी पिंग, LIC, ये सब के ग्रोथ बढ़िया होते जा रहे हैं, राइट। पर प्रॉफिटेबिलिटी अगर हम देखें तो पिंग की LIC से 5 गुनी नहीं 50 गुनी ज्यादा प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट पे तो हमने पहले ही बात कर दी कि हमारे मार्जिन काफी कम है, यहाँ पे हम काफी इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट करेंगे दोस्तों एक्सपेंस रेशियो इनफैक्ट LIC का दूसरी कंपनियों से बहुत अच्छा है। जैसे प्राइवेट प्लेयर अभी एक्सपांशन मोड पे है, तो उनका जो एक्सपेंस रेशियो है उससे LIC का एक्सपेंस रेशियो काफी नीचे है। इससे प्रॉफिटेबिलिटी में और फायदा होना चाहिए आने वाले टाइम दोस्तों। न्यू बिजनेस प्रीमियम जो पास्ट कुछ सालों में 15% से बढ़ रहे, वो आने वाले 5 सालों में 17-18% से बढ़ेंगे और आने वाले दशक में भी दोस्तों 15% के आसपास बढ़ेंगे। तो ग्रोथ तो यहाँ पे न्यू बिजनेस प्रीमियम हो या टोटल प्रीमियम हो, हमें बढ़िया मिलेगा। जो हमने इंडिया का टोटल मार्केट बताया अभी का 6 लाख करोड़ का, उसमें 60% प्लस तो LIC के पास जाता है, अंदाजे से 25% टॉप 5 कंपनीज के पास जाता है LIC के बाद की, और बाकी जो बचा उसमें पूरी दूसरी 15 कंपनियां। तो अगर LIC पे फोकस करते हैं तो यस, LIC इज गुड विथ लॉन्ग बिगेस्ट मार्केट शेयर। प्राइवेट कंपनियों पे ध्यान रखना है तो दोस्तों टॉप 5 पे ही ध्यान रखना चाहिए। और टॉप 5 में कौन आता है? सबसे पहले LIC हो गया, फिर SBI, HDFC, ICICI, मैक्स एंड बजाज अलियांस। दोस्तों टोटल प्रीमियम में ग्रोथ अगर LIC का 9% का हो रहा है, 9% अच्छा ही ग्रोथ है इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद। SBI का 20% से हो रहा है, HDFC का 15% से ग्रोथ हो रहा है। तो ग्रोथ भी आपको इन सारी कंपनियों में बढ़िया मिलेगा। इनके हिसाब से 64% मार्केट शेयर LIC का, 8% SBI का प्रीमियम में कह रहा हूं, और HDFC का 6.1% मार्केट शेयर। इन सब चीजों के हिसाब से देखें तो दोस्तों मार्केट शेयर के हिसाब से आपकी LIC आती है, और LIC के बाद अगर कोई अच्छी कंपनी आती है तो HDFC और SBI। अगर आप परसिस्टेंसी रेशियो देखिए कि 5 साल के बाद कितना प्रीमियम लोग पे कर रहे हैं, तो यही सब कंपनियों में तगड़ा प्रीमियम आ रहा है। अगर आप एक्सपेंस रेशियो देखिए, आप सॉल्वेंसी रेशियो देखिए, इन सारे पैरामीटर में SBI, HDFC आगे निकल के आ रही है, LIC तो बेस्ट ही है, राइट। तो निवेश अगर हमें करना है, यस LIC का IPO हम लोग भर सकते हैं। अगर मैं LIC का IPO भरता हूं, मैं उम्मीद क्या रखूंगा? मुझे कंसिस्टेंट पैसा मिलेगा, ये सबसे बड़ी कंपनी है, मुझे कंसिस्टेंट डिविडेंड और हाई डिविडेंड यील्ड मिलेगी, राइट। तो प्राइवेट में रखेंगे ग्रोथ ज्यादा रहेगा पर डिविडेंड कम आएगा,
LIC में डालेंगे, प्राइवेट से कम ग्रोथ आएगा पर डिविडेंड यहाँ पे ज्यादा आएगा। दोस्तों हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि आज जो ये 6 लाख करोड़ का टर्नओवर LIC आपकी करती है, ये हम इसी दशक में LIC को 10 लाख करोड़ पहुंचता हुआ देखेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी जो आज कम है ये आने वाले समय में इम्प्रूव होगी, कंसिस्टेंट अर्निंग और जो पैसा अगर IPO में लगा रहे तो बनेगा। आप में से कुछ लोग अगर HDFC में पहले से निवेश हो या SBI या ICICI Prudential में निवेश किया हुआ है तो वहाँ पे भी ग्रोथ तो आपको अच्छा मिलना है, राइट? न्यू इन्वेस्टर कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इन इवन LIC। तो ये है दोस्तों पूरा आपका इंश्योरेंस का वर्ल्ड। यस, वी कैन इन्वेस्ट इन LIC IPO कंसिडरिंग लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट प्रॉफिट फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ, राइट फ्रेंड्स? सो दिस इज ऑल अबाउट इंश्योरेंस एंड LIC। अगर आप भरने वाले हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप कौन सी कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बाय करने वाले हो। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक मेरी ओर से और जय हिंद।